सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक, आपका दोस्त प्रवीण पटवारी। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी एंड शेयर वैल्यूएशन में वॉल्टर्स मॉडल। सो सब लोग हेडिंग लगा दीजिए, वॉल्टर्स मॉडल। तो सबसे पहले मैं आपको वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला लिखवाना चाहूँगा, जिसमें करेंट मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू जो कि होता है पी जीरो, इज इक्वल टू डी प्लस आर बाय के ई माइनस डी बाय के, डी प्लस आर बाय के ई माइनस डी बाय के। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्टर्स मॉडल। यहां पर डी है DPS, E है EPS, R है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय कंपनी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, एंड के ई है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, तो इस मॉडल के सबसे पहले कुछ प्रोपोजिशंस है, तो लिखिएगा प्रोपोजिशंस। लिखना, मैं डिक्टेट करा रहा हूं, लिखना। In the long run, in the long run, share prices reflect. In the long run, share prices reflect only the present value of expected dividends. Only the present value of expected dividends. In the long run, share prices reflect only the present value of expected dividends. अब इसका assumptions लिखिएगा, because this model is very important. अब इसका assumptions लिखिएगा, मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, लिखना bullets में, बुलेट वन बुलेट टू ऐसे करके लिखना। द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म, द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म, मतलब खाली इक्विटी है फर्म में। द फर्म विल यूज, सेकेंड बुलेट, द फर्म विल यूज ओनली रिटेन्ड अर्निंग्स टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट्स। The firm will use only retained earnings to finance its investments. Third bullet. The firm has a perpetual life. The firm has a perpetual life. The firm has a perpetual life, मतलब चलते रहेगा। Fourth bullet, earnings and dividends, earnings and dividends, earnings and dividends are constant. Earnings and dividends are constant. Okay. So now, fifth bullet. R and KE do not change. R and KE do not change, do not change.
अब इन्फरेंसेस क्या ड्रॉ कर सकते हैं? इन्फरेंसेस तीन है, ओके? तो सबसे पहले आप लोग चार्ट को कॉलम बना लीजिए। यहां पर मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ फर्म, नेचर ऑफ फर्म, ठीक है? अब यहां पर आएगा, लिखिएगा ग्रोथ फर्म, ग्रोथ फर्म, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, ग्रोथ फर्म, ग्रोथ फर्म। फिर उसके बगल वाले कॉलम में लिखिएगा, चार कॉलम अपने को बनाना है, चार कॉलम अपने को बनाना है। तो पहले वाले में लिखिएगा ग्रोथ फर्म, तो ग्रोथ फर्म में लिखिएगा आर ग्रेटर देन के ई, आर ग्रेटर देन के ई। फिर लिखिएगा नॉर्मल फर्म, आर इक्वल टू के ई, आर इक्वल टू के ई। और फिर लिखिएगा डिक्लाइनिंग फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म, आर लेस देन के ई। तो आर ग्रेटर देन के ई, आर इक्वल टू के ई एंड आर लेस देन के ई। तो ये तो था हमारे नेचर ऑफ फर्म के बारे में। अब यहां पर लिखिएगा ऑप्टिमल पे आउट रेशियो। यहां पर बात हो रहा है डिविडेंड पे आउट का, तो ऑप्टिमल पे आउट रेशियो तो पहले वाले में आ जाएगा निल। फिर आएगा इररेलेवेंट, पहले वाले में आएगा निल, फिर आएगा इररेलेवेंट, फिर आएगा, पहले वाले में आएगा निल, फिर आएगा इररेलेवेंट, फिर आएगा 100%। पहले वाले में आएगा निल, फिर आएगा इररेलेवेंट और फिर आएगा 100%। अब लिखिएगा रीजन, अब लिखिएगा रीजन। मैं डिक्टेट कराऊंगा, मैं लिखूंगा नहीं। अब इसके बाद लिखिएगा रीजन। सबसे पहले ग्रोथ फर्म का रीजन लिखिएगा, लिखिएगा शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट द कंपनी टू डू वेल, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट द कंपनी टू डू वेल विथ इंटरनल फाइनेंसिंग, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट द कंपनी टू डू वेल विथ इंटरनल फाइनेंसिंग रादर देन बाय डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट द कंपनी टू डू वेल विथ इंटरनल फाइनेंसिंग रादर देन बाय डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, रादर देन बाय डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद लिखिएगा यहां पर नॉर्मल फॉर्म में शेयर होल्डर्स आर इनडिफरेंट, शेयर होल्डर्स आर इनडिफरेंट, मतलब इनडिफरेंट बिटवीन व्हाट?
कि डिस्ट्रीब्यूट करें कि इंटरनली फाइनेंस करें. तो शेयर होल्डर्स आर इनडिफरेंट. फिर लिखिएगा शेयर होल्डर्स वुड प्रेफर अ हाई डिविडेंड. शेयर होल्डर्स वुड प्रेफर अ हाई डिविडेंड. आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया. शेयर होल्डर्स वुड प्रेफर अ हाई डिविडेंड. शेयर होल्डर्स वुड प्रेफर अ हाई डिविडेंड. शेयर होल्डर्स वुड प्रेफर अ हाई डिविडेंड. सो दिस इज वॉल्टर मॉडल. D प्लस आर बाई के ई माइनस डी बाई के ई. ओके सो अब हम लोग इस पर सम्स करेंगे. चलिए मैंने ये मॉडल पूरा लिखवा दिया आप लोगों को. तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में जो कि है वॉल्टर मॉडल पे. क्वेश्चन नंबर 6. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर शत्रुंजया लिमिटेड. हम लोग को ईपीएस दे दिया है, डीपीएस दे दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है, आईआरआर और इन्वेस्टमेंट दे दिया है, रिटेंशन रेशियो दे दिया है. ठीक है, बोला गॉर्डन्स फॉर्मूला और वॉल्टर्स फॉर्मूला को निकाल के मार्केट प्राइस निकालने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्टर्स से निकालते हैं बिकॉज वॉल्टर्स अभी सीखे हैं. तो वॉल्टर्स मॉडल से सबसे पहले निकालते हैं. तो वॉल्टर्स मॉडल में पी जीरो वैल्यू पर शेयर पी जीरो डी प्लस आर बाय के ई माइनस डी बाय के ई. नाउ दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 12 माइनस 3 आर. सो आर इज वॉट IRR on investment, which is 0.22 divided by KE, which is 0.18 divided by KE, which is 0.18. So, इससे हम लोग का आंसर आ रहा है 77.78 77.78. दिस इज द वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर्स मॉडल. ओके नाउ वैल्यू एज पर गॉर्डन्स मॉडल. Now value as per Gordon's model. So Gordon's model में अपने को एक assumption लेना पड़ेगा. सबसे पहले assumption देखिएगा. देखना यहां पर अपने को question में दिया हुआ है ईपीएस दिया हुआ 12 एंड डीपीएस दिया हुआ 3. तो अपना पे आउट रेशियो हो गया 25. अपना जो रिटेंशन रेशियो है ये हो गया 75%. करेक्ट, बट अपने को जो रिटेंशन रेशियो दे रखा है वो 40% दे रखा है. तो एजम्पशन लिखना 40% रिटेंशन रेशियो. 40% रिटेंशन रेशियो इज फॉर फ्यूचर. इज फॉर फ्यूचर 75% retention ratio is for last declared dividend. Because it is clear in account se 40% retention ratio is for future. Because current mein agar apne dekhe to 9 rupiya bachaya aur 3 rupiya 9 rupiya bacha ke 3 rupiya dividend declare kar diya. So what was the retention ratio? 75%. तो 75% रिटेंशन रेशियो इज फॉर लास्ट डिक्लेयर्ड डिविडेंड एंड जो 40% है उसको फ्यूचर ईयर्स के लिए मान के चलेंगे. ओके तो सबसे पहले अर्निंग्स अपने निकालना पड़ेगा फ्यूचर का. तो अगर अपने देखें लिखना
ग्रोथ रेट ऑफ ईयर वन, जो पहला साल का निकलेगा वो तो लास्ट ईयर का डेटा के बेसिस में निकलेगा ना, तो लास्ट ईयर के बेसिस में अगर अपने जाएं तो G इज इक्वल टू B इंटू आर, तो अपना B कितना है, अपना B है 0.75 और अपना R है 0.22, तो ये अपना आ गया 16.5%, 16.5%। तो अपना जो पहला जो EPS होगा, EPS 1 जिसको बोलते हैं, तो वो होगा 12 इंटू 1.165, तो ये अपना आ रहा है 13.98, तो ये अपना आ रहा है 13.98। तो अपना जो D1 जो होगा, डिविडेंड जो पहला वाला होगा, वो कितना हो जाएगा? अच्छा, फ्यूचर ईयर्स के लिए, फ्यूचर ईयर्स के लिए मतलब इस साल तो अपने 75% किए हैं, बट फ्यूचर ईयर्स के लिए अपना रिटेन, अपना जो रिटेंशन रेशियो वो कितना है, 40%। तो अपने जो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे वो कितना करेंगे, 60%। अपने जो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे वो कितना करेंगे, 60%। तो 13.98 इंटू 60%, दिस इज कमिंग टू 8.388, दिस इज कमिंग टू 8.388, ओके। बट अच्छा देखो, D1 बाय RE माइनस G, तो ये तो D1 आ गया ना। अच्छा, ये तो ग्रोथ होता, ये तो करेंट ईयर का मतलब ईयर वन का ग्रोथ है, लेकिन अगर आपने देखे D1 बाय R माइनस G में, तो ये तो G जो है, ये G और ये G सेम नहीं है, बिकॉज अपना तो रिटेंशन रेशियो बदल गया है ना, ठीक है, तो अपने को नया ग्रोथ निकालना पड़ेगा। तो लिखो ग्रोथ रेट फ्रॉम ईयर वन टू परपेचुटी, ग्रोथ रेट फ्रॉम ईयर वन टू परपेचुटी, ग्रोथ रेट फ्रॉम ईयर वन टू परपेचुटी, दिस इज रिटेंशन रेशियो इनटू रीइन्वेस्टमेंट का रेट विच इज 22%। तो ये अपना निकल के आ रहा है 8.8%, ये अपना निकल के आ रहा है 8.8%। तो ग्रोथ रेट फ्रॉम ईयर वन टू परपेचुटी, आई होप सो आप लोग सबको समझ में आ रहा है ये चीज, बिकॉज ये जो अपने ग्रोथ निकाले थे ये तो अपना खाली ईयर वन का था ना, ये तो अपना खाली ईयर वन का था, बट अपने को तो फ्यूचर ईयर्स का ग्रोथ रेट चाहिए। ईयर वन के ग्रोथ से तो ईपीएस वन आ गया, उससे फिर D1 आ गया, अब तो अपने को आगे का चाहिए। तो अब अपने फॉर्मूला में डालेंगे तो 8. अपना D1 कितना था, D1 बाय RE माइनस G में 8.388 डिवाइडेड बाय 0.18 माइनस 0.18 माइनस 0.088, तो ये अपना आ जाएगा 91.17। ओके, दिस इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सम। अगर आप लोग सम को पढ़ेंगे तो दिस इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सम, या फिर आप लोग पूरा ही 40% मान के पूरा सम को कर सकते हैं। लाइक यहां पर ये सब 75% जो मैंने निकाला है, ये सब का झमेला मत करिए, पूरा ही सम को 40% या फिर पूरा ही सम को 75% मान के कर दीजिए। लेकिन ये एकदम पूरा करेक्ट इंटरप्रिटेशन है कि करेंट ईयर का जो था वो था 75% एंड आगे से कितना हो जाएगा, वो 40% हो जाएगा, ठीक है। तो एक और मैं अपने को नोट दे देता हूं, ये आप लोग करके देख लीजिएगा। अगर अपने को थ्रू आउट रिटेंशन रेशियो को मानते हैं 40%, या फिर अगर अपने थ्रू आउट रिटेंशन रेशियो को मानते हैं 75%, या तो थ्रू आउट अपने रिटेंशन रेशियो को मानेंगे 40%, या फिर अपने थ्रू आउट रिटेंशन रेशियो को मानेंगे 75%, इन दैट केस
आवर आंसर शुड बी 35.48, 35.48 या फिर 233। ठीक है, तो मैंने यहां पर दोनों को लेके किया है कि जो लास्ट ईयर था उसमें अपना रिटेंशन रेशियो वाज 75% एंड फॉर फ्यूचर ईयर्स अपना 40% है। तो ये जो जी है, जी ये फ्यूचर ईयर्स का है, तो ईयर वन टू परपेचुइटी वाले को अपने को लेके इस सम को करना था। ठीक है, तो गॉर्डन मॉडल का एक बहुत ही ट्रिकी सा सम था ये, तो अपने तीनों मेथड से देख लिया आप लोग, इसको सॉल्व करके देख लेना एक बार, आप लोग इस सम को कर लो, तब तक मैं आपके लिए और सम ढूंढता हूं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम, आ जाइए सब लोग, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि है अगेन वॉल्टर मॉडल पे। वशिष्ठ लिमिटेड वॉज स्टार्टेड अ ईयर बैक विथ इक्विटी कैपिटल ऑफ 40 लाख, द अदर डिटेल्स आर एज फॉलोज, अर्निंग्स ऑफ द कंपनी दे दिया है, डिविडेंड पेड दे दिया है, प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया है, फाइंड करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, फाइंड वेदर द कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमल, यूज वॉल्टर्स फॉर्मूला। ओके, इवैल्यूएशन, सबसे पहले लिखिएगा स्टेप वन, इवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज प्रेजेंट, इवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज प्रेजेंट डिविडेंड पॉलिसी, इवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज प्रेजेंट डिविडेंड पॉलिसी। ओके, तो अपना जो इक्विटी कैपिटल है वो 40 लाख का है, अपने जो अर्निंग्स दिखाए हैं वो 4 लाख का दिखाए हैं, तो अपना जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अपना जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आ रहा है 4 लाख बाय 40 लाख का, जो कि है 10% का। तो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया 10% का। ओके, अपने को पी रेशियो दे दिया है, तो अपने वहां से क्या निकाल सकते हैं पता है, अपने को इन्होंने दे दिया है पीई रेशियो, तो पी रेशियो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का अपना बहुत ही पुराना रिलेशन है, पी रेशियो अपने को दे दिया है 12.5, पी रेशियो को अपने उन्होंने दे दिया है 12.5, देयरफॉर केई या फिर आरओई इज व्हाट, 1/PE ratio व्हिच इज 1/12.5। प्लीज को कैलकुलेट करना, प्लीज को कैलकुलेट करना और बताना कितना आ रहा है। तो अपना जो केई है वो आ रहा है 8%, अपना जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आ रहा है 8%। ओके, तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है, देयरफॉर आर जो था अपना, आर दैट इज ग्रेटर देन केई, तो अभी मैंने जस्ट आपको कराया था 3 केस, देख के बताना कि जब आर केई से बड़ा होता है तो क्या होता है, जब अपना आर केई से बड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ फर्म, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, ग्रोथ फर्म, ऑप्टिमल डीपी रेशियो शुड बी व्हाट, 0, क्योंकि कंपनी ग्रोथ फर्म है। ओके, अब अपने को देखना है कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है डीपी रेशियो वो कितना है,
320,000 बाय 4 लाख, तो कंपनी का कितना आ रहा है? कंपनी का आ जा रहा है 80%, कंपनी का आ जा रहा है 80%, कॉमा इट इज नॉट फॉलोइंग, इट इज नॉट फॉलोइंग द ऑप्टिमल पॉलिसी, इट इज नॉट फॉलोइंग द ऑप्टिमल पॉलिसी। देखिए कितना ईजी सा सम था, आराम से पहले इसको देख लीजिए आप लोग सब, आराम से पहले इसको देख लीजिए आप लोग सब। अब अपने को निकालना है, अब अपने को निकालना है मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर यूजिंग व्हाट? वॉल्टर्स फॉर्मूला। मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर यूजिंग व्हाट? वॉल्टर्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले निकालते हैं चलिए अर्निंग पर शेयर। तो 4 लाख का अर्निंग है और 40,000 शेयर्स हैं, तो अपना कितना आ जा रहा है? 10 रुपीज इज आवर अर्निंग पर शेयर। उसके बाद में केई अपने निकाल चुके हैं 8% एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर अपने निकाल चुके हैं 10%, केई अपने निकाल चुके हैं एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपने निकाल चुके हैं जो कि है 10%। प्लीज एक बार डिविडेंड पर शेयर निकाल के दिखाना, तो मेरे को डिविडेंड पर शेयर मेरे को निकाल के दिखाना, तो एक बार डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा 10 का 80% जो कि है 8, 10 का 80% जो कि है 8, दिस इज डिविडेंड पर शेयर। इसके बाद में अपने एक काम करते हैं, क्या होना चाहिए और क्या हुआ है दोनों के बेसिस में वॉल्टर का निकाल देते हैं। होना ये चाहिए था सुनना मेरा बात को, होना ये चाहिए था हुआ क्या है पे आउट हो गया अपना 8। ओके, तो निकाल दीजिए P0। तो अपने कैसे निकालेंगे? 0 + 10 - 0 into 0.1 / 0.08 / 0.08 और हुआ क्या है? 8 + 10 - 8 into 0.1 / 0.08 / 0.08। ठीक है, तो अपने देख सकते हैं पहले वाले में अपना आ रहा है 156.25 और दूसरे वाले में अपना आ रहा है 131.25। सो दिस इज वॉल्टर्स मॉडल। एबा इसको देख लेना सब लोग, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।
आइए बढ़ते हैं हम लोग बढ़ते हुए कदम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू. टोटल अर्निंग्स अपने को दे दिया है. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे दिया है 100 रुपया का 20,000. डिविडेंड पेड दे दिया है 1.5 लाख. पी रेशियो दे दिया है 12.5. हम लोग को बताना है कि कंपनी का ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी है कि नहीं है. तो ठीक है सेम समय सबसे पहले आरओआई निकाल लेते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो वो कितना आ जाएगा, 2 लाख. 2 लाख बाय 20,000 इंटू 100, तो अपना आ जाएगा वो 20 लाख. तो अगेन अपने आ गए 10% में. इसके बाद में अपने को निकालना पड़ेगा के, जो कि होता है 1/P रेशियो, विच इज 1/12.5, विच इज 8%. 1/12.5, विच इज 8%. इसके बाद में आर इज ग्रेटर देन के, आर इज ग्रेटर देन कंप के, तो अपना जो है वो एक ग्रोथ फर्म है. एंड जो डिविडेंड पे आउट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ठीक है ओके. कंपनी का क्या हुआ है, कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने 1.5 लाख बाय 2 लाख, मतलब कंपनी का अगर मैं डीपी का बात करूं, डिविडेंड पे आउट रेशियो का बात करूं, तो कंपनी का जो है वो है 75%. इसका मतलब क्या है, कंपनी इज नॉट फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, कंपनी इज नॉट फॉलोइंग दी ऑप्टिमल पॉलिसी, कंपनी इज नॉट फॉलोइंग दी ऑप्टिमल पॉलिसी पॉलिसी. ठीक है ये अपना था पार्ट ए. फाइंड आउट व्हाट शुड बी द पी रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर. डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर. ओके अपने को क्या करना है, के को आर के बराबर करना है. तो अपना आर तो है 10%, तो अपना के भी कितना होना चाहिए, 10%. तो अपना पी कितना निकल के आ जाएगा, 1/K, विच इज 1/0.1, विच इज 10 टाइम्स, विच इज 10 टाइम्स. बहुत सिंपल है, क्योंकि अपने को आर दिया हुआ ही था 10% का. ये हो गया अपना पार्ट बी. इसके बाद में अपने करेंगे पार्ट सी. तो अपने को पार्ट सी में क्या बोला है, व्हाट विल बी योर डिसीजन इफ पी रेशियो इज 8. ठीक है तो अगर अपना पी है तो अपना के ई क्या हो जाएगा, 1/8, विच इज 12.5%. ओ पूरा डिसीजन ही चेंज हो जाएगा अब तो, सिंस आर इज लेस देन के ई, सिंस आर इज लेस देन के ई, देयरफॉर कंपनी शुड हैव 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो. लेकिन कंपनी कर क्या रहा है, 75%. अगेन कंपनी इज नॉट फॉलोइंग दी ऑप्टिमल पॉलिसी. अगेन मतलब क्या समझ में आ रहा है, कंपनी ऑप्टिमल पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है. सिंस आर इज लेस देन के ई, डिक्लाइनिंग फर्म हो गया. ठीक है तो अपने को क्या करना चाहिए, 100% पे आउट देना चाहिए, लेकिन कंपनी वो कर नहीं रहा है. ओके तो एक बार आप लोग इस सम को देख लीजिए फटाफट. ओके तो नाउ वी विल बी डूइंग द लास्ट सम फॉर टुडे ऑन वॉल्टर्स मॉडल, विच इज क्वेश्चन नंबर 9.
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू जी लिमिटेड आर गिवेन. अपने को पैट दे दिया है, डीपी रेशियो दे दिया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया है. व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर्स मॉडल. व्हाट इज द ऑप्टिमम डीपी रेशियो एज पर वॉल्टर्स मॉडल एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट दैट पे आउट रेशियो. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. सबसे पहले लिखिएगा अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर तो अपना अर्निंग पर शेयर कितना आएगा, तो अपना अर्निंग पर शेयर कितना आएगा प्लीज बताना. अर्निंग पर शेयर कितना आएगा, 10 लाख है एंड इक्विटी शेयर है 50,000, तो 10 लैक्स बाय 50,000. तो अपना अर्निंग पर शेयर आ रहा है 20. अपना डिविडेंड पर शेयर कितना आ जाएगा, डीपी रेशियो अगर 50 है तो वो आ जाएगा 10. अपने को आर कितना दे दिया है, 12%. अपने को के कितना दे दिया है, 10%. अपने को आर दे दिया है, अपने को के ही दे दिया है. अब अपने वोल्टर्स फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो पी जीरो इज इक्वल टू 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 0.12 बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1. तो प्लीज इसको कैलकुलेट करना और बताना कितना आ रहा है. इससे अपना आंसर जो है वो आएगा 220. इससे अपना जो आंसर है वो आएगा 220. ओके, तो अब अपने को निकालना है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो. अब अपने को निकालना है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो. अपना इसमें क्या है, अपना जो इसमें आर है वो बड़ा है के से. अपना इसमें जो आर है वो के से बड़ा है, तो अपना जो ऑप्टिमम डीपी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 का. बिकॉज कंपनी क्या है, ग्रोथ फर्म है. कंपनी इज अ ग्रोथ फर्म, ग्रोथ फर्म है. ठीक है, ओके. अगर ऑप्टिमम पे आउट के हिसाब से जाएं तब अपना पी 0 क्या होना चाहिए, 0 प्लस 20 माइनस 0 इंटू 0.12 बाय 0.1 बाय 0.1 विच इज इक्वल टू 240. अगर अपने ऑप्टिमम पे आउट के हिसाब से जाएं तब अपना पी 0 कितना होना चाहिए, 240. सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो ऑन वॉल्टर्स मॉडल. जैसे कि आज मैंने आप लोगों को वॉल्टर्स मॉडल पूरा कराया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और कोई मॉडल करेंगे. ठीक है, इस तरीके से है, 3-4 मॉडल है जो हम लोग को कवर अप करना है. उसके बाद में अपने मिसेलेनियस इलस्ट्रेशंस करेंगे. ओके, सो थैंक यू. इसी तरीके से पढ़ते रहें, अपना जुनून बनाए रखें. थैंक यू.